हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को संघर्ष स्टडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट का भारत अधिनियम 1784 और ऑप्शन सी है चार्टर्ड एक्ट 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर्ड एक्ट 1833। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो ऑप्शन ए है संघीय विधान पालिका को और ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी है प्रांतीय जनरल को और ऑप्शन डी ए प्रांतीय गवर्नर को। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां प्रांतीय जनरल को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ऑप्शन ए है चार्टर्ड एक्ट 1833 और ऑप्शन बी है चार्टर्ड एक्ट 1853 और ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा यह संभव बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 और ऑप्शन बी है मार्लेमिंटो सुधार 1909 और ऑप्शन सी है मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्लेमिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्लेमिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1909 का अधिनियम संबंधित है ऑप्शन ए पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से, ऑप्शन बी केंद्रीकरण से और ऑप्शन सी है द्वैत शासन से और ऑप्शन डी विधान परिषद से। तो 1909 का अधिनियम संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1935 और ऑप्शन बी है 1937 और ऑप्शन डी है 1946 और ऑप्शन डी है 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय जो संघीय न्यायालय का स्थापित हुआ था 1937 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम के द्वारा और ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो केंद्र में द्वैत शासन का अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में
केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी है मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है यह संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली, और ऑप्शन सी इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, और ऑप्शन डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।